हेलो हेलो हेलो, किचन 123 में आज बन रही है इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो मुख्तलिफ तरह की चाट, चना चाट, दही बल्ले, गोलगप्पे वगैरह में बहुत शौक से खाई जाती है। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे सामने मौजूद है। आधा कप इमली की ज़रूरत है, जिसको मैंने 2 कप गर्म पानी के अंदर आधे घंटे के लिए भिगोया हुआ था। और यहाँ पर आधा कप गुड़िया शक्कर, आधा कप ही मैंने खजूर ली है, जिसके बीज निकाल के छोटे टुकड़े कर दिए। एक खजूर अभी रहती है, आपके सामने करके दिखाऊंगी। आधा चाय का चम्मच काला नमक है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, और यहाँ पर है 1 चाय का चम्मच सौंफ का है, 1 चाय का चम्मच जीरा है, और ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जिसको छील के मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। पानी की ज़रूरत है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप जो मैंने इमली ली, उसको मैंने 2 कप गर्म पानी के अंदर भिगोया था, उबलता हुआ गर्म पानी था। और आधे घंटे के बाद ये किया कि इसके अंदर जो इस तरह के रेशे धागे से होते हैं और ये इस तरह की गुठलियाँ होती हैं, उनको निकाल दिया और काफ़ी सारी निकली, और ये मेरे पास इस तरह से पल्प आ गया है, जिसको अब मैं इमली खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। खजूर के ऊपर का हिस्सा भी काट लिया मैंने, और इसके अंदर जो गुठली है इसको भी निकाल देना है, और इसको काट देती हूँ छोटे 3-4 टुकड़ों में। इमली का पल्प ये चला गया, इसमें बीज निकली, खजूर, गुड़िया शक्कर, अदरक के टुकड़े, ऐसे बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं ताकि आसानी से निकाले जा सकें, सौंफ और जीरा, लाल मिर्च और काला नमक, 3 कप पानी ऐड कर दिया, आंच को तेज़ किया हुआ है, ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए मैं रख रही हूँ। पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, आंच मैंने तेज़ी रखी हुई थी, और दरमियान में एक मरतबा चेक किया, चम्मच हिला दिया, लेकिन काफ़ी इसमें पानी है तो चिपकने वाला तो उसमें कुछ है नहीं, और सब चीज़ों के जूसेस वगैरह इस चटनी के अंदर शामिल हो गए हैं, बस इतना ही पकाना काफ़ी है। अब चूल्हा बंद करते हैं, हीट इसकी थोड़ी कम हो जाए, इसके बाद ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करेंगे। चम्मच की मदद से मैं इसको प्रेस करती रही ताकि खजूर इसमें मिक्स हो जाए। ये कंडीशन है इस वक्त, ब्लेंड करने से पहले ब्लेंडर जार के अंदर मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। अब इसको छान लेते हैं। चटनी को छानने से ये इस तरह से ऊपर जो चीज़ें हैं ये बच गई हैं, इसको हम फेंक देंगे, और ये नीचे हमारी बिल्कुल ही स्मूथ चटनी प्याले में बनकर तैयार हो गई है, जिसको मैं बॉटल में शिफ्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है, चखे मैंने, देखी है। मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ और 1-1.5 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ कल एक और कमाल की रेसिपी के साथ।